नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। जनता से किया हर वादा होगा पूरा। सपा बसपा प्रत्याशी भाई लाल कौल सोनभद्र शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय सोनभद्र में सांसद पद के लिए नामांकन के तीसरे दिन कुल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी भाई लाल कौल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं सांसद बना तो जनता की हर छोटी से छोटी समस्याएं, जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, गांव में सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या, 20 घरों को रोजगार देना और मुख्य रूप से क्षेत्र में विकास और जनता के साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ूंगा, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। जो कमियां हैं, सदियों से आज भी कमियां रही हैं। जनता के बीच में जाने से ये लगता है कि आज भी जनता बिजली, पानी, शिक्षा से त्रस्त है। उनकी आवाज़ आज भी पेयजल के संकट में घिरी हुई है। बिजली का भाव है, शिक्षा का भाव है, इसमें बहुत से विकास रुके हैं। हमारी सरकार न होने के नाते बहुत से बाधाएं आई हैं। आज भी जहां बहन जी ने काम छोड़ा है, जहां माननीय अखिलेश जी ने काम छोड़ा है, वहीं पर कार्य रुका हुआ है। जनहित में कोई काम नहीं हुआ है। मैं उसके न्याय के साथ लड़ाई लड़ूंगा। उसके जो अन्याय कर रहा है उसके साथ हम लड़ाई लड़ूंगा, न्याय कराऊंगा जनता को, और जनता के बीच में कंधे में कंधा मिलाकर चलूंगा, विकास के रास्ते उनको न्याय दिलाऊंगा। ना ही नगर पालिका कराती है सफाई, ही ना ही प्रशासन। सफाई अभियान में लाखों का बजट पास होता है, लेकिन सफाई के नाम पर जीरो है। गंज वासौदा, एक समाज सेवी संस्था समिति श्री कल्याण राव जी वेलफेयर सोसाइटी करा रही है बेतवा की सफाई और कर रही है श्रमदान। गंज वासौदा से एल एन चौबे की रिपोर्ट। जनवरी से शुरू करा है हमने ये हमारा कल्याण राव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, और ये शनिवार रविवार, हर हफ्ते को शनिवार रविवार किया जाता है। और यहाँ पर लोग बाग आते हैं और शमशान में आते हैं तो उसकी जलावट छोड़ जाते हैं और बाकी की वस्तुएँ छोड़ जाते हैं, अपनी राख वगैरह छोड़ जाते हैं, नदी में राख छोड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग सफाई करने आते हैं और हर माह की वो शनिवार और रविवार को ये स्वच्छता कार्य किया जाता है। जिंदगी का वातावरण है, युवाओं ने फिर इस बात की पहल की। जनवरी 2019 से इसका प्रारंभ हुआ और अभी तक लगातार शनिवार और रविवार पे सब लोग आकर श्रमदान करते हैं और सभी से अपेक्षा रखते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर जन सहयोग करें। जनवरी से आरंभ हुआ है, आरंभ में श्रमदानी की संख्या कम थी, लगातार श्रमदानी संख्या बढ़ रही है। और चूंकि यहाँ पर बहुत ही गंदगी का आलम छाया हुआ है और यदि इस तरह से हम नहीं चेतेंगे तो भविष्य में पानी की संभावनाएं पूर्ण खत्म मौजूद हैं, यहाँ पर नहीं है रहेंगी। और आगे सभी श्रमदानी से ये निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पधारें यहाँ पर तट पर, ताकि श्रमदान कार्य में हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी सहायता मिल सके। काम बहुत सारा बाकी है, हाथों की कमी यहाँ पर पड़ जाती है। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि कृपया हमारा यहाँ पर सहायता करें, क्योंकि बिना आपके सहायता के, बिना सामाजिक संगठनों की सहायता के यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है सभी के हित में है और सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करें। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें कारोबार से जुड़े दो आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी भिंड जिले से ग्वालियर में स्मैक सप्लाई के लिए आए हुए थे और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को एयरपोर्ट रोड स्थित सनिचरा तेराय से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम आदिल खान और इमरान शाह बताए गए हैं, जिसमें आदिल खान के ऊपर पूर्व से ही ग्वालियर में कई अपराध दर्ज हैं।
ग्वालियर पुलिस द्वारा विगत कुछ समय से लगातार स्मैक जो सप्लाई कर रहे हैं लोग या नशे के धंधे में लिप्त हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा इसके लिए क्राइम ब्रांच और अन्य टीमें जो बनाई हैं उनको टास्क दिए गए हैं। आज क्राइम ब्रांच ने फिर 300 ग्राम स्मैक के साथ में दो आरोपियों को पकड़ा है जिनके नाम आदिल खान और इमरान हैं जो कि मियोना भिंड के रहने वाले हैं। आदिल के विरुद्ध पहले से भी NDPS एक्ट का केस रजिस्टर्ड है जिसका ट्रायल हो रहा है और इस खेप को ये जब यहाँ ग्वालियर में देने आए थे उस समय पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा है और NDPS एक्ट कायम करके विवेचना की जा रही है। इनको सनीचरा मोड़ के पास से पकड़ा है। इनका जो लिंक है देने का प्राप्त करने का दोनों के बारे में पूरी विवेचना की जा रही है। पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाए इस बारे में भी पूछताछ करेंगे। इनका जो पूरा बैकग्राउंड है प्लस उसको भी सर्च करेंगे और पिछले लगभग 10 से 12 दिनों में ही लगभग 1 किलो 300 ग्राम इसमें क्राइम ब्रांच की पुलिस पकड़ चुकी है और इसमें जो कई जो बड़े तस्कर हैं उनको गिरफ्तार करके और जेल भेजा गया। स्वर्गीय जय कुमार जैन की पुण्य स्मृति में रविवार की सुबह ग्वालियर के लोहा मंडी किला गेट स्थित लाला गोकुल चंद्र जैन मंदिर में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजक पदम जैन ने बताया कि डॉक्टरों की टीम द्वारा निशुल्क आँख, हार्ट, सुगर, अस्थिर रोग, चर्म एवं बाल रोग से जुड़े मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क जांच एवं निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। स्वर्गीय श्री जय कुमार जी की स्मृति में आज प्रथम बार लोहा मंडी जैन मंदिर में लगाया गया है और इसमें शहर के विभिन्न डॉक्टर की टीमें यहाँ पे मरीजों का इलाज करेगी। नेत्र शिविर, बुखार, स्वास्थ्य, अन्य जाँचें वगैरह, मशीनें द्वारा जाँचें, हड्डी का वगैरह। और ये कैंप जो लगाया गया है ये परमचंद राजेश कुमार जैन के द्वारा लगाया गया है। इसमें अभी तक 700 एंट्रियाँ आ चुकी हैं और इसमें कई समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं। कैंप में एक तो जाँचें बिल्कुल निःशुल्क है, दवाइयाँ वितरण होंगी, इससे यही फायदा है कि अन्य समाज के लोग भी इस कैंप को देख के अन्य समाज के लोग इस कैंप को भी देख के आगे प्रेरित होंगे और मानव सेवा के तौर पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रविवार को पंजाबी परिषद समिति ग्वालियर द्वारा रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क शीतल जल सेवा का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश जैन ने आयोजन को संबोधित करते हुए कहा है कि पंजाबी समाज देश भर में सेवा कार्यों में अग्रिम है और पिछले 25 वर्षों से निरंतर चली आ रही निशुल्क जल सेवा के लिए पंजाबी परिषद के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहिए। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में पंजाबी समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे और यात्रियों को शीतल पानी भी पिलाया। ये पानी 25 साल से हम लोग पिला रहे हैं, 10 से 5 ये चलता है, इसमें 100 लोग रोज ही आते हैं और मैं 1.5 से 5 आती हूँ, 5 गाड़ियाँ रोज की करती हूँ। 40 ट्रॉलियाँ हैं अपने पास और भी बढ़ती रहती हैं, लोग देते रहते हैं। हाँ, पंजाबी परिषद के और अन्य संस्थाएँ भी करती हैं और समाज के लोग भी, बाकी भी करते हैं लोग और सारी जातियों की जल सेवा करते हैं हमारे साथ में। 3 महीने चलती है, पहले 2 चलती थी, 2.5 हुई, फिर अब 3 महीने। पिछली बार 3 महीने किया था, 22 अप्रैल से लेकर 22 जुलाई तक किया था हम लोगों ने। अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच एवं राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच का 14वां संयुक्त क्षेत्रीय अधिवेशन रविवार को माधव डिस्पेंसरी के सामने स्थित जैन छात्रावास परिसर में आयोजित किया गया। अधिवेशन का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं मुनिश्री के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर हुआ, जिसके बाद जैन समाज के विभिन्न पदाधिकारियों ने आयोजन को संबोधित किया। आज हमारा 14वां राष्ट्रीय क्षेत्रीय अधिवेशन चल रहा है जो कि अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच और राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के निर्देशन में, डायरेक्शन हमारे पुलक सागर जी महाराज के, उनके निर्देशन में पूरा कार्यक्रम चलता है। आज 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ ग्वालियर में आयोजित किया गया है जिसमें विभिन्न शहरों से हमारे यहाँ शाखाएँ पधारी हैं, झांसी है, डबरा है, दतिया है, कोलारस है, मतलब यानी हमारी काफ़ी दूर दूर तक यहाँ की जो 14वें उसमें जो हमारे क्षेत्र में जो आती है
वो सारी शाखाएँ यहाँ हैं। 13 शाखा हमारे खुद ग्वालियर की हैं, बाद बाकी अन्य बाहर से करीब करीब 24 करीब शाखाएँ और आ रही हैं। सारी मिला के शाखाओं का यहाँ आकलन होगा कि उन्होंने वर्ष भर क्या किया, वो वर्ष भर जो उन्होंने कार्य किया है उस आधार पर उनको आज अवार्डेशन हुआ, उसको अवार्ड बांटे जाएंगे। वैसे हमारे मुख्य अतिथि अभी प्रवीण जी पाठक थोड़ी देर में यहाँ पधारने वाले हैं, उनके द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी दौलतगंज स्थित राजा बक्सर की गोट स्थित राजा बक्सर मंदिर पर सांप्रदायिक सद्भावना एवं सर्वधर्म सद्भाव के साथ सूफी संत चैतन्य नाथ महाराज उर्फ बाबा राजा बक्सर का उर्स मनाया जाएगा। 29 मई से शुरू होकर यह उर्स 9 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर यहां 30 अप्रैल से 8 मई तक श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ एवं विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। ये हमारे मंडल द्वारा 92वां उर्स महोत्सव बनाया जा रहा है और इसके अंदर 8वीं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम दिन 29 तारीख को बाबा का उर्स है, जिसमें पूरी मुस्लिम पद्धति से पूजा की जाएगी। इसमें सुबह न्याज होगी, दोपहर में फकीरों का लंगर होगा, शाम को कब्बाली बाबा की चादर पोशी शहर के उच्च नागरिकों द्वारा कराई जाएगी। 30 तारीख को 4 बजे सायन गिरिराज मंदिर हाई कोर्ट से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कलश यात्रा गिरिराज मंदिर से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजा बक्सर मंदिर प्रांगण में आएगी। 30 तारीख को हमारे व्यास जी श्रद्धेय श्री समर तीर्थ महाराज जी हैं, जिनके द्वारा भागवत कथा का श्रवण किया जाएगा और हमारे परीक्षित मनीराम पाल जी इस बार नियुक्त किए गए। और 1 मई को साजिद खान द्वारा कब्बाली का आयोजन है, 2 मई को हमारे राहुल भारती द्वारा कब्बाली और भजनों का आयोजन है, फिर हमारा राजा बक्सर भक्त मंडल खुद भजन का आयोजन करेगा, एक संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन होगा, माता की चौकी होगी, हवन वगैरह होंगे। ये सब कार्यक्रम इन चल समारोह में बाबा की पालकी चल निकलती है और बढ़िया घोड़ों के साथ रंगारंग झांकियों के साथ पालकी निकाली जाती है शहर के मुख्य मार्गों से। और यही उद्देश्य हम लोगों का कि बाबा का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, सबको दर्शन प्राप्त हो, सभी हमारे शहरवासी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद महाराज बाड़े पर फुटपाथियों द्वारा अतिक्रमण करने पर पुलिस और निगम प्रशासन द्वारा यहां लगातार कार्रवाई कर अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़े पर लगे 2 फुटपाथ से सामान जब्त भी किया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य फुटपाथ कारोबारियों में रोष है और रविवार को कार्रवाई से नाराज फुटपाथ व्यापारियों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद निगम के मदाखलत प्रभारी सत्यपाल सिंह सहित यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और फुटपाथ कारोबारियों को हॉकर्स जोन में जाने की समझाइश दी गई। नहीं, उन लोगों ने अपना पक्ष रखा है, लीगल पक्ष रखा है जो उनके पास है, और चूंकि नगर निगम और जिला प्रशासन पुलिस ने निर्णय लिया है ये लोगों की व्यवस्था कंपू होकर जोन पे की जाएगी। वो पूर्व में ही 10 दिन पहले खाली करा लिया गया, सहमति बन गई, कल 12 बजे ये लोगों को हम गाड़ी भेजेंगे और वहाँ से लेके वहाँ इनका पंजीयन करेंगे और इनकी व्यवस्था कंपू होकर जोन में रहेगी। आज कोई घटना नहीं हुई, आज तो बात करने आए थे तो बातचीत हो गई है और सहमति बन गई है कि कल से वो कंपू पे जाएंगे। वो तो रोज ही होता है, वो कोई नई बात नहीं है, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, रोज होता है। ये सहमति है कि लोग यहाँ बैठते हैं उनकी लिस्ट बना ली है, उनको कंपू होकर जोन पे वो शिफ्ट करेंगे, जो भी जाना चाहेगा उसको पहले आओ पहले पाओ, जो पहले पहुँचेगा उसका पहला नंबर से अपन शुरुआत करेंगे और इनको वहाँ व्यवस्थित करेंगे। लिस्ट बनवाई है, 384 के लगभग की लिस्ट है, इनके द्वारा बताया कि उसमें कुछ गलत भी आ सकते हैं तो चेक करा लेंगे इन लोगों से, और उसके बाद जो एक्चुअली में जो बैठते थे उन्हीं लोगों को वहाँ बिठा लेंगे। सुबह हमारे 2 फुटपाथी व्यापार कर रहे थे जो कि कोतवाली द्वारा उठा लिए गए और उन पर 151 की जो भी कुछ प्रक्रियाएं थी चालू कर दी, लेकिन हम लोगों ने समय पहले थाने का घेराव करा और टीआई साहब ने विश्वास दिलाया कि दोनों को छोड़ दिया जाएगा। निगम से हमारी यही द्वार है, हमें पंजीयन कर व्यवस्थित करा जाए, 12 बजे का बोला है, कल कंपू होकर जोन में 12 बजे शिफ्ट करा जाएगा। हाँ, वही बात थी कि ये लोग बाड़े पे बैठने की बात कर रहे थे, तो वो तो बिल्कुल कतई संभव है नहीं,
हमारे पे कोई फुटपाथी नहीं बैठेगा, उनको ऑकर्स जोन में शिफ्ट किया जाएगा। और यही बात उनसे हुई है कि जो कंपू पर ऑकर्स जोन है उसमें कल नगर निगम के अधिकारी रहेंगे, पुलिस भी रहेगी, तो वहाँ पर विधिवत रूप से इनको जगह आवंटित कर दी जाएगी ऑकर्स जोन में, वहीं पर बैठें और अपना व्यवसाय करें। मैं अभी बात करता हूँ, घेराव जैसी कोई बात नहीं है, बात कर रहे थे ये लोग, तो उनको समझाइश दी गई है कि चूँकि बाड़ा पे अब फुटपाथ और वो संभव नहीं है और ऑकर्स जोन प्रॉपर बना। हाँ, उन्होंने कहा है कि कल 12 बजे का समय नगर निगम की तरफ से दिया गया है उनको, तो वहाँ पे जो लोग पहुँचेंगे और उनको जगह आवंटित की जाएगी, फिर देखते हैं आगे प्रोसेस क्या। कानून की एक किताब के दो जगह छपकर मार्केट में दो किताबें आने पर शहर के दो बड़े लॉ हाउस आपस में उलझ गए हैं और पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रिंटिंग प्रेस संचालक से मिलकर यह पूरी जालसाजी की गई है, जिससे उन्हें नुकसान तो पहुंचा ही है, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है। लॉ जनरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द मध्य प्रदेश वीकली नोट्स की ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट को खुर्द गुर्द करने का आरोप लॉ जनरल पब्लिकेशन के डायरेक्टर नमिता गुप्ता ने लगाया है। उनका कहना है कि वे पिछले 68 सालों से मध्य प्रदेश वीकली नोट्स का प्रकाशन कर रही हैं। उक्त पुस्तक नवयुग ऑफसेट प्रेस नया बाजार से प्रकाशित होती है और नई किताब के लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को रॉ मटेरियल भी उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन उनकी किताब से पहले ही बाजार में यह किताब उतार दी गई है, जिस पर लॉ हाउस बाधवा लॉ की सील लगी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रिंटिंग प्रेस संचालक के साथ मिलकर यह पूरी धोखाधड़ी की गई है, इसलिए इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे पास जालसाजी के तहत ये कोई बाउंड वॉल्यूम जो सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो हमें भी नहीं दे रहा है। डोर टू डोर जो उनके कॉन्फिडेंशियल एडवोकेट है उनकी लाइब्रेरी में लगा के आ रहा है और हमें किसी के मार्फत ये बात पता चली। किसी जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि मैडम आपकी बुक आ गई है मार्केट। नहीं, अभी तक एक्चुअली हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि कौन कर रहा है। हमने सबसे पहले अपने प्रिंटिंग प्रेस वालों को ही इन्फॉर्म किया कि ये हमारी बुक कैसे आई मार्केट। हाँ बिल्कुल, क्राइम ब्रांच में हमने इसकी शिकायत करने हम जा रहे हैं, हमारा पूरा सब चीज़ रेडी है और हम वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम क्राइम ब्रांच जाएंगे, फिर हम यूनिवर्सिटी थाने भी जाएंगे, हम दोनों जगह जाएंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिसने भी ये किया है वो पूरा नेटवर्क पकड़ा जाए। नहीं, इसके पहले हमारे पास आज तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन हमारी सेल गिरी है, इसलिए थोड़ा सा हमें डाउट था, लेकिन ये मामला हमारे पास पहली बार सामने आया कि कोई हमारी किताब की डुप्लीकेसी करके और जालसाजी है हमारी किताब के तहत। हमारे अपनी पब्लिकेशन की तो हमारी ये 5000 किताबें छपी नहीं, ये वाले 19 फर्स्ट के आप बोल रहे हैं अंक तो हमारे ये छपते हैं, 1 से लेकर 16-17 अंक तक छपते हैं, तो 15 हमारे मार्केट में इशू हो गए हैं, 15 अंक हमारे मार्केट में इशू हो गए हैं और 16वां और 17वां जो अंक है वो हमारा रहता है मेन इंडेक्स का, वो हमारा 30 तारीख को मार्केट में जाएगा, लेकिन उसके पहले ही ये बुक मार्केट में आ गई। मतलब उन्होंने कहीं से ये इंडेक्स को चोरी करके बुक बना ली, क्योंकि जब तक इंडेक्स मार्केट में नहीं जाएगी कोई भी बुक कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स के बिना बुक कंप्लीट नहीं होती है। ये जो हमारी 48 पेज की जो इंडेक्स है वो हमारी 30 तारीख को लॉन्च होगी। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टा कारोबारियों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दही मंडी दाना ओली से 2 सटोरियों को सट्टा लगवाते दबोचा है। पुलिस ने आरोपी राजू बाल्मीकि और श्याम सोनी के कब्जे से सट्टा का हिसाब किताब, सट्टा पर्चियां और 5000 की नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार सटोरियों द्वारा राजस्थान और हैदराबाद की टीमों पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर अन्य साथियों का पता लगाने में जुटी हुई है। आईपीएल मैच पर दो टीमें जो खेल रही थी कल, इन पर हैदराबाद और राजस्थान की टीमों का मैच था, इस पर रुपयों का दांव लगाकर सट्टा ले रहे हैं। इस पर से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाकर वहां से दो लोगों को, एक का नाम है राजू वाल्मीकि और दूसरे का नाम है श्याम सुंदर सोनी पुत्र राजेंद्र सोनी, इन दोनों को गिरफ्तार किया था और इन दोनों के मोबाइलों में है लगभग 6 से 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जो है होना पाया गया और 5000 रुपीज़ कैश जो है, जो रकम इनके द्वारा डायरेक्ट ली गई थी लोगों से, वो और इनके मोबाइल्स जो है जब्त किए गए। नहीं, इनका जो स्टडी की है इसमें कई लिंक्स हमको मिली हैं, जिसमें अलग अलग 3-4 लिंकों के नाम आए हैं जो ऑलमोस्ट ग्वालियर के अंदर वही लिंकों पर काम हो रहा है, ये ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो जो सेम लिंक्स हम लोग पिछले दिनों में हम लोगों ने पकड़ी हैं वही ऑलमोस्ट वही लिंक हैं और उन्हीं पे और ये डायरेक्ट सीधे ये लोग सट्टा ले रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जिला बदर अपराधी को शहरी सीमा में घूमते हुए दबोचा है।
पुलिस जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीती रात हौतम प्रजापति को आबकारी एक्ट के एक मामले में दबोचा था और पूछताछ पर जानकारी मिली थी कि आरोपी जनकगंज थाने से 26 नवंबर 2018 से जिला बदर था। उसके बावजूद चुनाव आचार संहिता के समय आरोपी को शहर में घूमते मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये एक आरोपी हुतम प्रजापति को पुलिस ने कल आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि यह थाना जनकगंज से जो है 26/11/18 में जिलाधीश महोदय के आदेश से ये जिला बदर है। तो उस आदेश की प्रति जब हमने प्राप्त की तो वो सही होना पाई गई और इस तरह एक जिला बदर बदमाश जो 11/19 तक ग्वालियर और इसके आसपास के 6 जिलों की सीमाओं से दूर रहना था, जिला बदर ग्वालियर से था लेकिन जो आदेश होता है उसमें आसपास के जितने भी एडजेसेंट जिले होते हैं शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, जो शिवपुरी जिस ग्वालियर जिले को जिस जिस जिलों की सीमाएं छूती हैं उन सभी से उसको दूर रहना था। जो उसने इसका वायलेशन किया तो धारा 14 के तहत उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाना। मेला ग्राउंड से ग्वालियर फोर्ट पर सुबह की सैर के लिए पहुंचे कुछ युवक और युवतियों के साथ स्थानीय बदमाशों द्वारा छेड़खानी कर मारपीट कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 द्वारा दो आरोपियों को मारपीट के आरोप में दबोच लिया गया। फरियादी विजय त्यागी का कहना है कि पुष्पेंद्र भदौरिया और उसके साथियों द्वारा जब ग्रुप में शामिल कुछ युवतियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू की गई तो ग्रुप में शामिल अन्य युवकों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुष्पेंद्र ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। अभी हम लोग सब दौड़ के आ रहे दौड़ने के लिए आ रहे थे यहाँ से मेला ग्राउंड से यहाँ के लिए किला के लिए, तो हमारे साथ सब बच्चियाँ थीं तो वो लोग बीच में क्या डेग रखे हुए थे बजा रहे थे, तो हमने बोला भैया थोड़ा ऐसे साइड से कर लो, तो उन्होंने कहा कि ये किला मेरे बाप का है, तो मैंने कहा मैं मानता हूँ बाप का लेकिन थोड़ा हमको भी तो दौड़ना है, बोले चल नीचे चल तुम्हें दौड़वाएं अभी, तो उन्होंने बंदूक मतलब गोली मारने की धमकी दी हमको, बोले चलो नीचे धुआं काट देंगे तुमको, तो उन्होंने फ़ोन भी लगाया लड़कों को, बोले कि आओ तमंचा लेके आओ इनमें धुआं निकालना है, बोले पशु भदौरिया बोलते हैं हमें या जिले पर पूछ लेना कहीं भी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों लड़ाई करें, तो हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, 100 नंबर को फ़ोन लगाया, तब तक हम लोग नीचे जा रहे थे तब तक ये लोग आधी दूर पे आ गए ऊपर और इन लोगों ने मारपीट कर दी और लड़की को लाठी आठी मारी हमारी को और हमको भी थप्पड़ पड़ मारी यहाँ पर। ये पूरी भीड़ खड़ी हुई थी इकट्ठी नीचे सब बहुत मतलब होंगे 30 लोग होंगे इकट्ठे, ये लोग हमको पकड़ लेगा साइड से, तो हमको मारने लगे तो लड़की आगे आई थोड़ा हमको बचाने के लिए रितु दांगी, तो उसको लाठी मार दी उनने और वो गिर गई वहीं पे। हाँ लाठी के बाद लाठी भी थी और उन्होंने फ़ोन भी लगाया था लोगों को बंदूक लाने मतलब कट्टा लाने के लिए, बोले कट्टा जाओ। 100 नंबर टाइम पे पहुंची उनको पकड़ दिया, हमने भागने नहीं दिया हमने पकड़ दिया। एक ने बोला पुष्पेंद्र भदौरिया नाम है और एक का मुझे पता नहीं वहाँ रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इन दिनों चुनावी ड्यूटी में शामिल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को मतदान से संबंधित जरूरी जानकारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को IITM परिसर में ग्वालियर की 15, 16 एवं 17 विधानसभा के अधिकारियों को ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि वे चुनावी कार्यक्रमों को सही तरीके से संपादित कर सकें। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण आज से हमने प्रारंभ किया है। यह प्रशिक्षण हम विधानसभा बार आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 विधानसभा 14 ग्वालियर ग्रामीण, 15 ग्वालियर, 16 ग्वालियर पूर्व और 17 ग्वालियर दक्षिण, इनके लिए यह प्रशिक्षण यहाँ IITM में रखा गया है और शेष दो जो विधानसभाएं हैं डबरा और भितरवा उनके लिए LNIP में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में हमने पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त उसके सहायक 3 मतदान अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है, पूरा मतदान दल यहाँ प्रशिक्षण ले रहा है और उसी हिसाब से हमारी यहाँ बैठक व्यवस्था भी है। हम यहाँ पर पार्टी को आपस में मिलवा भी रहे हैं और उनको प्रशिक्षण भी प्रदाय कर रहे हैं। हम 2 शिफ्ट में यहाँ ट्रेनिंग आयोजित कर रहे हैं, सुबह 10 से 1 और शाम की शिफ्ट में दोपहर 2 से 5 तक 2 शिफ्ट में यहाँ ट्रेनिंग आयोजित है और वहाँ भी 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग आयोजित। हनुमान जयंती के बाद भी शहर में स्थित विभिन्न हनुमान मंदिरों पर पूजन हवन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। गत रोज शनिवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों द्वारा प्रसादी ग्रहण की गई। इस दौरान स्टेशन बजरिया और 4 शहर का नाका चौराहे पर भी हनुमान भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया।
ये हमारे बाजार का, हमारी एसोसिएशन का 11वां भंडारा है और ये मंदिर 45 से 50 साल पुराना है। यहाँ बाजार के लोगों की अच्छी खासी श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है। बाजार के सभी दुकानदारों का एवं आसपास के सभी भक्तजनों का योगदान रहता है। ये भंडारा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में होता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया और ये काफ़ी भव्य आयोजन रहता है। और हनुमान जयंती के अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।